दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है वॉइस एक्सप्रेशंस की, कि हमें अपनी आवाज में अपने एक्सप्रेशंस, वॉइस के एक्सप्रेशंस को कैसे ढूंढना है। तो जैसा आपने देखा था फेस एक्सप्रेशंस में, फेस के एक्सप्रेशंस को कैसे ढूंढा हमने, हमने अपने फेस को डिस्टॉर्ट किया, वो डिस्टॉर्ट किया तो वो फेस पे एक्सप्रेशंस हमको मिलना शुरू हुए। तो वॉइस के एक्सप्रेशंस भी हमें ऐसे ही मिलेंगे। हमें क्या करना है, हमें अपनी वॉइस को डिस्टॉर्ट करना है और नोटिस करना है कि किस जगह पे, किस पॉइंट पे हमें कौन सा एक्सप्रेशन मिलता है। एज एन एक्टर एक बात मैं जानता हूं कि जितने भी एक्सप्रेशन है, इमोशंस है, जो भी है, वो हमारे अपने पास में होते हैं। हमें बस क्या करना होता है, हमें उनको ढूंढना होता है और उनको कैसे यूज करना है ये हमें पता होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे ये रूम है, इस रूम में बहुत सारा सामान है। अगर आपको कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज कहां पे है। अगर आपको नहीं मालूम है और आपको कोई चीज इस्तेमाल करनी है, ढूंढनी है, तो आपको अगर पता नहीं कि वो चीज कहां पे रखी है तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, उसमें टाइम लगता। बट एक बार जब आप इस रूम से वाकिफ हो जाते हैं, आपको और उसको सिस्टमेटिक सब सामान आपने रख दिया या आपको पता है कि कौन सी चीज कहां पे है, तो आपको किसी भी चीज को ढूंढने में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, आपको पता है। तो इसी तरह से जो हमारे अंदर इमोशंस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स जो भी छिपी हुई हैं, एक्सप्रेशन वगैरह जो भी हैं, हमें उनको ढूंढना है और उनको कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी हमें करना क्या है वॉइस के एक्सप्रेशंस के लिए, जैसे हमने फेस को डिस्टॉर्ट किया था, उसी तरह से हम अपनी वॉइस को डिस्टॉर्ट करें। कैसे? सब तरह की वॉइस निकलनी चाहिए, हर हंसना रोना सब। ये होगा कैसे देखिए, और उसमें हंसने की, रोने की, ये सब साउंड ऐड करने की हम कोशिश करेंगे। और फिर हमें ये नोट करना है कि किस तरह की साउंड, कौन सा इमोशन की साउंड, कौन सी फीलिंग की साउंड कहां पे कैसे निकलनी, ताकि आगे हमें वही वॉइस में वही एक्सप्रेशंस लाने के लिए हमें आसानी हो। तो अभी हम देखते हैं, अपना स्टूडेंट है हमारे राजनाथ, उसके साथ देखते हैं वो कैसे करते हैं और क्या एक्सपीरियंस है। ठीक है? क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा ये एक्सरसाइज को लेके? सर इससे तो एक हमारी वॉइस जो है वो लाउड होती है, खुलती है, और एक जो होता है ना खुल के वॉइस का जो होता है वो होता है एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे जैसे आप वॉइस निकलती है वैसे आपके एक्सप्रेशन आते हैं। और सबसे बड़ी एक और बात कि आप किसी के भी सामने करते हो तो वो हेजिटेशन खत्म हो जाती है। 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग के सामने करोगे तो वो हेजिटेशन नहीं रहती उसका। ये बहुत फायदेमंद है। तो जो मेन तो हमारा पर्पस है एक्सप्रेशंस को ढूंढने का, तो वो एक्सप्रेशंस हमको मिलते हैं इसमें। जी सर बिल्कुल मिलते हैं। जैसे हम अपने वॉइस को करते तो वो उसी हिसाब से एक्सप्रेशन आता है, वॉइस के एक्सप्रेशन मिलना शुरू हो जाते हैं। तो बाद में कभी भी कुछ एक्सप्रेस करना वॉइस के थ्रू तो अपने को पता रहता है, वो अपने को पता रहता है कि हाँ जैसे हम अपनी वॉइस करेंगे तो वैसे ही एक एक्सप्रेशन आता है। हाँ 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 ठीक है। और हेजिटेशन भी खत्म, हेजिटेशन भी बिल्कुल नहीं होती। चल ठीक है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ये प्रैक्टिस हमें करनी है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी आवाज एक्सप्रेशन हमारे वॉइस के निकलेंगे हमें पता चलेगा कौन सा एक्सप्रेशन कब कहाँ कैसे निकल रहा है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि चीजें जैसे फेस एक्सप्रेशन हमने किया, अभी हमने वॉइस के एक्सप्रेशन किए, तो चीजें धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होना शुरू हो। आपने देखा, आप देखोगे कि यार जो जैसा हम वॉइस का एक्सप्रेशन ला रहे हैं वैसा ही हमारे फेस पे एक्सप्रेशन आ रहा है।
वैसे ही हमारी बॉडी मूव कर रही है, या जैसा हम एक्सप्रेशन फेस पे लाएंगे वैसे ही वॉइस का एक्सप्रेशन निकलेगा बॉडी का वैसे। तो क्योंकि ये चीजों का सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, तो जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीजें सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाएंगी, और इन सब चीजों का, हमारी बॉडी लैंग्वेज का, हमारे एक्सप्रेशंस का, हमारे वॉइस का, इन सब चीजों का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, आपकी फीलिंग्स का, कि जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वही इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो वो सब चीजें एक साथ सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी है, कि एक साथ आपका वॉइस का एक्सप्रेशन, फेस का एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सब एक डायरेक्शन में काम करना चाहिए। और इस एक्सरसाइज से आपको और बेनिफिट्स क्या होंगे, आप जब इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, एक मिनट दो मिनट जब कंटिन्यू इस तरह की वॉइस निकालेंगे, तो ये आपकी आवाज खुलना शुरू होगी, आपके आपका गला साफ हो जाएगा, वॉइस को मॉड्यूलेट करने में आसानी मिलेगी, आसानी होगी उससे आपको। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, आप कैमरा रख के दो दिन चार दिन आप ऐसा प्रैक्टिस करो इस तरह से, आप देखोगे कि एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। और हेजिटेशन होता ना कि हम पब्लिक के सामने खड़ा होकर बोल नहीं सकते, आप तीन चार लोगों के सामने बैठ के आप ये एक्सरसाइज करो, हेजिटेशन बिल्कुल चला गया। तो अब ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं, और जितनी हमारी एक्सरसाइज है सब बहुत प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, और हर एक्सरसाइज का बेनिफिट है। अगर आप ये सारी एक्सरसाइज ईमानदारी से सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 90% काम हो जाता है। प्रैक्टिकल के लिए कभी भी आप आ सकते हो, मिल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।